झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मधुपुर जाने के दौरान गिरिडीह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। किसान देश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। राज्य के जीडीपी में किसानों का योगदान मात्र 12% है, जिसे 20% तक ले जाना है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई निदेशकों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ लक्ष्य दिया गया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रमंडलीय स्तर पर गौ मुक्ति धाम की घोषणा की गई है। दूध व्यवसायी से जुड़े किसानों को प्रति लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन, अंडा मछली उत्पादन में राज्य को अव्वल बनाना है। इसके लिए युवाओं को भी आगे आना होगा। मौके पर अजय सिन्हा मंटू, नरेश वर्मा, सतीश केडिया, विकास आनंद समेत कई लोग मौजूद रहे। किसानों के लिए हमें सोचना है, किसानों के लिए करना है। आप जानते हैं कि किसान देश की रीढ़ है। राज्य के जीडीपी में अभी किसानों का योगदान मात्र 12% है, काफ़ी दयनीय है। इसको 20% ले जाने का हमने लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए अपने विभिन्न डायरेक्टरों, चाहे मत्स्य का हो, द्रव्य का हो, पशुपालन का हो, कृषि का हो, सहकारिता का हो, सभी डायरेक्टरेट को हमने लक्ष्य दिए हैं। ये 24 लाख बिरसा किसान जो राज्य में तैयार होंगे, जो राज्य के जीडीपी में कृषि के योगदान को 12% से 20% तक ले जाएंगे। ये हम नहीं कहते कि आत्मनिर्भर बनाना, क्या कि जैसे जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा, अपने आप कृषि से जुड़े लोग मजबूत होंगे। उसके लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तैयार कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ फार्मर्स की हमने कल्पना की है, उसके लिए पैसे की गलतियाँ बंद कर दिया है। आपने देखा होगा प्रमंडलीय स्तर पर गो मुक्ति धाम की हमने घोषणा की है। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए आपने देखा होगा कि इस बार जो हमारा JMF और मेधा डायरी जो उनको देता है वो तो सही है, बोनस भी सही है। उसके अलावे जो दूध व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको पर लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन राशि हम देने का काम कर रहे हैं। मतलब पर डे 1,20,000 रुपया भी हम देने का मन बनाए हैं। और झारखंड के सभी दूध व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, नौजवानों, कि मेरा मनसा रोज 10 लाख रुपया देने का है। आप इसमें आए, दूध उत्पादन में, अंडा उत्पादन में, मछली उत्पादन में झारखंड को अव्वल बनाएं। एश्योर्ड इरीगेशन एरिया लैंड कैसे हम ज़्यादा करें, इसके लिए बराबर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। और आने वाले दिनों में गिरिडीह में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने विभाग के हेड वार समीक्षा उपायुक्त से करके हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, यहाँ के किसानों को क्या देना है, एक एक पत्ता खोल के बताएंगे। कोल्ड अंदर करना है, चूँकि बीच में कोरोना में 9 महीना काम बंद रहा, तो उसके लिए हमने और GST में जो नई संशोधन आई थी उसको लेकर कुछ बिल क्लियरेंस में दिक्कत हुआ, जिसके कारण यह लेट हुआ, लेकिन अब इसे पूरा कर दिया है। मैंने किसानों को भी कहा कि हम जल्द आपके लिए कोल्ड स्टोरेज लेकर आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ के जमुआ में एक बड़ा मेगा डेयरी प्लांट, राशन कार्ड में जा रहा है। राशन कार्ड में शहर में गेहूँ मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में गेहूँ। क्या आप यदि मांग करेंगे उसको जिला प्रशासन से हम कहेंगे कि आप आग्रह कीजिए, हम जो देने के लिए तैयार हैं।